हाय फ्रेंड्स, हमारे पास जीप का कंपास है और इस गाड़ी में प्रॉब्लम था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था और जो सेंटर लॉक होता है इसका, ये सेंटर लॉक चल नहीं रहा था। तो इसमें ECGL लॉक है जो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग लॉक हो जाता है गाड़ी लॉक करने पे, तो हो गया था। तो इस फॉल्ट को मैं टेस्ट करूँगा और क्लियर करूँगा। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, जो देखेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा और इस फोल्ड को मैं टेस्ट करके क्लियर करूंगा। स्टार्ट करता हूँ तो जैसा देखेंगे हमारा सेंटर लॉक है, वो भी काम नहीं कर रहा है। और जो इसका स्टीयरिंग है वो भी लॉक हो गया है। तो इस फोल्ड को आज अपन टेस्ट करेंगे और क्लियर करेंगे। तो इधर देखेंगे क्लस्टर मीटर में हैंड ब्रेक का लाइट आ रहा है, पर यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है। और देखेंगे तो कोई भी, मैं पार्किंग लाइट चालू कर रहा हूँ तो कोई भी वायर, तो इसमें कोई वायर कट। तो इस फोल्ड को आज अपन देखेंगे किधर से वायर चूहा खाया है। तो देखते कहाँ से खाया है, जो इधर मैं देख लिया तो किधर भी नहीं दिख रहा है। अभी ये खोलता हूँ और खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर तो नहीं खाया है। बाकी स्टेप बाय स्टेप सब खोल के देखूंगा, तभी समझ में आएगा कि चूहा वायर कहाँ से खाया है। तो चलो खोल के जहाँ पे कटा रहेगा आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली जहाँ पे चूहा खाया था वो अपने को मिल गया है। जरा खोल और ये देखेंगे तो यहाँ पे इतना सारा वायर जो है वो तो चूहा खा गया है। और अब इसको मैं वायर तो डालूँगा नहीं, तो इसको रिपेयर करता हूँ ब्लैक टेप करके। तो फ्रेंड्स, आपको ये खोल के मैं दिखाता हूँ, भाई चूहा निकाल ले। तो ये सब वायर है जो ये खा गया है, और बाकी इसको ज्वाइंट करके देखता हूँ गाड़ी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को यहीं से फोड़ लग रहा है, देख रहे कितना सारा वायर चूहा खा गया है। और इसमें चूहा आने का किधर से जगह नहीं है, पर पता नहीं किधर से आ गया है। इसका ये अंदर का फ्यूज बॉक्स है, जो हमारा सब BCM फ्यूज बॉक्स सब इधर ही है। और अंदर देखेंगे, मैं अंदर भी देख चुका हूँ वायर किधर खाया नहीं है। तो मेरे को यहीं से फोल्ड लगा है, तो यहाँ पे पहले मैं इसे ज्वाइंट कर लेता हूँ और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। इसे देखेंगे इतना सारा वायर चूहा खा गया है, कम से कम 20-25 वायर होएगा। और इधर से भी इसको सब पूरा ज्वाइंट करता हूँ मैं, एक तो स्टेप बाय स्टेप एक एक वायर और ब्लैक टेप करूँगा। और अंदर भी देखेंगे तो अंदर से किधर से खाया नहीं लग रहा है, बाकी यहीं से फोल्ड लग रहा है। तो इसको मैं पूरा ज्वाइंट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, और फिर ज्वाइंट करके आपको दिखा के और फिर लाइव स्टार्ट करके दिखाऊंगा। जैसे फ्रेंड्स, मैं वायर को पूरा ज्वाइंट कर दिया था तो भी हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में मैं देखा तो हमारा और भी वायर चूहा खाया है, जो इधर से देखेंगे तो इसमें एकदम खूंखार चूहा घुस गया है, जो खाली वायरिंग काट रहा है। इधर देखेंगे, इधर भी वायरिंग काट दिया और इसके अंदर भी चला गया है, जो उंगली तो जाता ही नहीं है, चूहे लोग कैसे चले जाते हैं। इधर देखेंगे तो इधर भी वायर चूहा खा गया है। तो इसको भी एक बार ज्वाइंट करता हूँ, ज्वाइंट करके फिर देखता हूँ कि जो हमारा गाड़ी वो स्टार्ट होता है कि नहीं। ये कंडीशन में क्या हुआ है, ये स्टार्ट स्टॉप इंजन है, तो इसका जो ECGL है वो लॉक हो गया है। तो स्टीयरिंग देखेंगे लॉक हो गया है, और इसमें गाड़ी टोइंग करके मंगाए तो इसमें इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, ये भी काम नहीं कर रहा है कि गाड़ी आगे पीछे हो जावे। तो इस कंडीशन में जब तक इसका सेंटर लॉक है वो सेंटर लॉक चलेगा नहीं, तब तक गाड़ी हमारा स्टार्ट नहीं होएगा। तो सबसे पहले पूरा वायरिंग मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ इसका। तो फ्रेंड्स, ये भी वायरिंग जो है वो ज्वाइंट करके आपको दिखा, फिर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ का भी वायर चूहा खाया था तो उसको भी मैं ज्वाइंट कर लिया, और इधर भी देख रहे थे आप, इधर भी 4-5 वायर खाया था तो इसको भी ज्वाइंट कर लिया। अब गाड़ी को सीट उट में खोल लिया था एक्चुअली वायर के चक्कर में, तो अपना सेंटर लॉक देखता हूँ। तो हमारा सेंटर लॉक चलने लगा है, गाड़ी को एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली जो हमारा है ECGL लॉक खुल गया, और गाड़ी को एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली जो हमारा गाड़ी है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसमें एक फोल्ड और आ रहा है, जो लाइट बंद करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो क्लस्टर मीटर में देखेंगे तो
तो यहाँ पे सब रीडिंग आता है, वो कुछ भी आ नहीं रहे। और इधर देखेंगे तो एसी, अभी जो हमारा एसी का पैनल है जो फोर सिग्नल में चालू किया, लेकिन इधर देखेंगे तो फोर सिग्नल भी चालू नहीं हो रहा है। और टेप, हमारा टेप भी चालू नहीं हो रहा था, इसको भी एक फोल्ड को देखते हैं। ये देखो लाइट आया था वापिस चले गया, तो ऐसा ही ये ऐसा हो रहा है। तो इसको भी देखते कि वायर किधर ने किधर से चूहा तो वायर खाया है, क्योंकि इसमें एकदम खूंखार चूहा घुस गया अंदर। तो गाड़ी को बंद करता हूँ और एक बार और स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी तो स्टार्ट हो गया, अभी देखेंगे हमारा जो ब्लोवर है वो चला, लेकिन एसी ऑन करता हूँ, जैसा एसी ऑन कर रहा हूँ वैसा ही बंद हो जा रहा है। तो इसको भी देख लेता हूँ। और इधर देखेंगे तो डिम लाइट में बंद किया तो सभी बंद हो जा रहा है, बाकी इधर डिम लाइट का जो लाइट आता है इधर पार्किंग लाइट का कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसा अभी इसमें देखेंगे तो लग रहा है इसके अंदर भी वायर चूहा खाया है। तो इसको भी खोलता हूँ और इसको देखता हूँ कि इसके अंदर तो चूहा वायर नहीं खाया है। तो फिर चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार, खोल के अपना डाउट फुल क्लियर हो जाए। तो चलो इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। स्टार्टर मीटर में देखेंगे तो एयरबैग का भी लाइट आ रहा है इधर, और जो हमारा टेप ऑफ है वो चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं बोला था आपको कि यहाँ खोल के देखूँगा, तो इसके अंदर मैं देख लिया कोई वायरिंग नहीं कटा है। और चूहा क्यों आता है ये देख रहे हो, इसमें मसाला वसाला एक खाने पीने का चीज़ रखा रहता है गाड़ी में, तो चूहा आ ही जाते हैं सब, और वायर का जो रहता है वायर कट कर देते हैं। तो इसमें दो वायर और कट है, आपको दिखाता हूँ, उसकी वजह से सब फंक्शन बंद है। अरे देखेंगे तो पार्किंग लाइट चल रहा है, लेकिन मीटर में देखेंगे तो नहीं चल रहा है, बाकी उधर देखेंगे पार्किंग लाइट हमारा चल रहा है। तो इसमें दो वायर कटा है जो आपको मैं दिखाता हूँ, उसको ज्वाइंट करूँगा। तो जैसा देखे तो उस साइड में भी दो वायर पांच छह वायर कटा था, तो इधर भी देखो चूहा काटा है। तो इसको भी एक बार मैं ज्वाइंट कर देता हूँ, जो ये दो वायर दिख रहा है तो इसको ज्वाइंट करके फिर दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको। फाइनली हमारा वायर ज्वाइंट हो गया और स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। तो अभी देखेंगे जैसा मैं वायर ज्वाइंट किया इधर सिग्नल लाइट चलने लगा। गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और फाइनली देखेंगे तो इधर सब हमारा जो कनेक्शन था एसी यूसी का वो सब ऑन हो गया। और देखेंगे पार्किंग लाइट जैसा ऑन कर रहा हूँ तो ऑन हो रहा है, और चालू कर रहा हूँ चालू, हमारा एसी भी चालू हो गया, पहले एसी बंद था तो फाइनल एसी भी चालू हो गया हमारा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते हैं हमारा ब्लैक टेप हो गया, अभी तो मालूम भी नहीं चल रहा है कि वायर चूहा खाया है यहाँ से, और जो ये सब वायर कटा है तो इसको वैक्यूम से खींच लेता हूँ फ्रेंड्स। तो वैक्यूम चालू किया, इससे क्या होगा कि चूहा को मालूम नहीं चलेगा कि मैं इस जगह पे वायर चूह खाया था जो कट किया है, तो अपना एकदम क्लियर हो जाएगा और कस्टमर को भी नहीं लगेगा कि हमारी गाड़ी में सही काम नहीं हुआ है। इसके वजह से वैक्यूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इधर भी देखेंगे ब्लैक टेप हो गया, और इस साइड भी काटा था उधर भी ब्लैक टेप मार दिया हूँ, और यहाँ का भी वायरिंग काटा था तो उसको भी मार दिया हूँ। तो अभी इसको रोड टेस्ट लेके देखते कि चलने में कैसा है गाड़ी, बाकी देखेंगे। इधर सब ये सब खोला हूँ, अभी सब फिटिंग करता हूँ सीट टूट को, बाकी पूरा कंप्लीट करके आपको फाइनल दिखाता हूँ रोड टेस्ट करके। तो फ्रेंड्स हमारा काम हो गया है, अभी मैं इसको रोड टेस्ट करता हूँ, और रोड टेस्ट करके फिर देखूँगा कि इसमें जो हमारा गाड़ी है प्रॉपर सही हुआ है कि नहीं। तो देखेंगे, तो मैं बाहर ही हूँ अभी गाड़ी के, और आपको रोड टेस्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जो हमारा गाड़ी था वो स्टार्ट हो गया और मैं रोड टेस्ट करके आया तो एकदम प्रॉपर हो गया। तो अब गाड़ी को मैं साफ अप करके अब डिलीवर कर सकते, बाकी
आपकी गाड़ी में अगर मसाला, खाने पीने का चीज, कोई भी चीज खाने वाला है जो, तो आप गाड़ी में ना रखें, नहीं तो इसके वजह से चूहे गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और खाने को कुछ फिर मिलता नहीं है तो वायरिंग को खा जाते। तो फ्रेंड्स मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।